जनाब मैं बात आपकी सुनी न तो बीजेपी। देखिए सबसे बड़ा आज का उत्सव है धनतेरस का, धनवंतरी जी का, और दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को। एक सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि बेरोजगार जनता नहीं, बेरोजगार राहुल गांधी और कांग्रेस है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने क्या रखा था, रोजगार का मुद्दा रखा था, क्योंकि लोगों ने रेफरेंडम क्या दिया कि भैया आप पहले पैसे लेके रिश्वत लेके विशेष धर्म विशेष जाति के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। इसी नोएडा में खड़ा हूं, 2017 के पहले यहां पे विशेष धर्म विशेष जाति के लोगों को ऐसे जाता था बायोडाटा कि आप यूपी पीसीएस में सिलेक्शन कर दीजिए, उठा के थोक के भाव एसडीएम बना दीजिए। ये स्थितियां होती थी जो कि ट्रांसपेरेंसी के साथ रोजगार देना शुरू हुआ। बात सही है, कभी हमारे मित्र ने कहा कि रोजगार की परिभाषा बदलनी चाहिए। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं तमाम यहां पे स्वरोजगार, कोई ज्वेलर्स की शॉप कर रहा है, कोई यहां पे इंडस्ट्रीज अपना तमाम दुकान, इसका मतलब वो भी तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। भारत के अंदर 2014 के पहले 40,000 लोग केवल 1 करोड़ की इनकम डिक्लेयर करते थे सैलरीड के, आज 2.5 लाख से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देते हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है। भारत की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो हम 5वें स्थान पे जरूर, लेकिन हम 3रे और 4थे पे जो हैं उनके लगभग बराबर में हैं। और भारत में चाहे मूडी हो, चाहे जेपी मॉर्गन हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, सबके चीफ ने कहा कि चाहे जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद बेरोजगारी की बात करते हैं, 2000 अगर इनसे कहा जाए नेहरू जी ने क्या किया, कहेंगे नहीं वो बात मत करिए। अच्छा चलो 2004 से 2014 की बात कर लेते हैं, 2004 से 2014 की आप बोलिएगा अपने टर्म में, 2004 से आप पढ़ के वही आए हैं जो राहुल गांधी की यूनिवर्सिटी ने आपको पढ़ाया है, आपको कभी नहीं पढ़ के आएंगे जो देश की यूनिवर्सिटी में आईएमएफ की गोपीनाथ मुंडे ने, जो गोपीचंद्रन ने जो हैं उनकी सेकंड चीफ, उन्होंने क्या बोला एक बार आप पढ़ लीजिए, अजय बंगा ने क्या कहा एक बार सुन लीजिए। नहीं मैं आया, बातचीत का सिलसिला है, लेकिन जो उधर खड़ा है किधर, प्रतीक जी, हाँ जी नमस्कार जी, बहुत मिलना चाहता था करोड़, बहुत मिलना चाहते थे, मिल गए ना, मिल गए तो यही बात अपनी बात है, मिल गए, बस मिलना बहुत जरूरी है जी। नमस्ते साहब, बहुत अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? सतीश अग्रवाल। सतीश अग्रवाल जी, कैसे आना हुआ इधर आज? ये पूरी डेकोरेशन लाइटिंग आप ही की है? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा काम है आपका, इसका मतलब आपकी है? हाँ मैं हाँ, ये ऐसे लोग कहते थे पुराने समय में, ऐसे ही कहते थे कि आप आपकी है, ये हमारा कुछ नहीं है इसमें, नहीं है तो सब आप ही का, लेकिन कहते हैं आप हमारे लिए हैं, होना चाहिए ना। हाँ ये होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है अग्रवाल साहब, बहुत बढ़िया लाइटनिंग की आपने व्यवस्था करी है और बहुत चमचम कर रहा है। बातचीत का सिलसिला दरअसल मैंने जहां छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करता हूं, मुझे आपकी बात से कहीं कोई वो नहीं है सिवाय ये कि एसडीएम की जो नौकरी है वो ऐसे नहीं दी जा सकती, एसडीएम की नौकरी का एक तरीका है। मैं वो काउंटर करना चाहूंगा, यूपी पीसीएस का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है 2017 के पहले नियुक्ति उनके चेयरमैन घटाया गया, टर्मिनेट किया गया, भाई क्या कारण था? अगर छोड़ दीजिए, आप लिस्ट उठा के देखिए, ये सब मत बताइए, मैं भी क्वालिफाई करके आया हुआ हूं किसी स्टेट सर्विस के अंदर, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब बातें मत करिए। दूसरी चीज है रोजगार की बात होती है, भारत मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड पोजीशन पे है, जहां 4 किलोमीटर हाईवे बनता था वहां 28 किलोमीटर हाईवे बन रहा, जहां एयरपोर्ट नहीं होते तो वहां 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं। भारत के अंदर 80% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका रेलवे लाइन का, भारत के अंदर जब इतना चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब बिना रोजगार तो दिए तो नहीं हो रहा होगा। राइट ना, कांग्रेस जी देखिए, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हरनाम जी आपको भी। दूसरी बात, आज जिन 51,000 लोगों को रोजगार मिला उनको मुबारकबाद जी, लेकिन इसको अगर कहा जाए कि जिस तरीके से देश में बेरोजगारी इस टाइम चरम पर और पीक पर थी, उसमें कहीं ना कहीं ये ऊंट में जीरे के बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। और जहां तक मेरे साथी अभी आईएमएफ की बात कर रहे थे तो आईएमएफ का ही खुद का अपना आंकड़ा है कि अरे सर आप सुन तो लीजिए, अभी आईएमएफ का ही मैं आईएमएफ का बता रहा हूं कि इस वक्त देश में जितने यहां नागरिक खड़े हम सब मिला के, सब लोग कम से कम 10-10 लाख 8-8 लाख रुपए कर्जे में हैं। ये तो 2014 के बाद हुआ है, जो ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि देश तो 2014 के बाद ही बना, उससे पहले तो लोग शायद रोटी खाते ही नहीं थे, लोगों को रोजगार ही नहीं था। आज जितनी बेरोजगारी पीक पर या चरम पर है उसका उदाहरण जो आप एसएचजीस की बात अभी कर रहे थे, तो एसएचजीस कोई नया काम नहीं है, अमूल जब आया कोऑपरेटिव ये कोई आज 2014 से पहले ही आया ना,
यह लिज्जत पापड़ आया, यह दुनिया भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत हमने कोऑपरेटिव और माइक्रो क्रेडिट से जोड़कर महिलाओं को, छोटे उद्यमियों को जोड़ा, खादी को लाकर जोड़ा, तो इतने काम पहले भी होते रहे। खादी में 400 गुना की वृद्धि है। वो कह रहे 10 सालों का आप तो आंकड़ा पूछते हैं ना, वो 10 साल में वो 10 करोड़ बताते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के। हाँ, लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट है। देखिए ऐसा है, जहां तक रोजगार की बात, और दोबारा लखपति दीदी पे भी आता हूं मैं, रोजगार की बात, मेरे साथी बात कर रहे थे कि एसडीएम ऐसे लग जाते हैं। पहली बात बता दूं कि जो सिविल सर्विसेज है उसमें कोई ऐसे ही नौकरी नहीं लग जाता। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, एक मिनट अब सुन तो लीजिए, बल्कि आप लोगों ने, पूरा देश जानता है कि आप एक अरे आप हरियाणा सरकार के अंदर जब आपकी सरकार थी किस तरीके से लगती थी यूपी, हरियाणा सिविल सर्विस के अंदर पैसे देके सीधे सीधे नियुक्तियां होती थी, इन्वेस्टिगेशन चला, लोग अरेस्ट हुए, उसके बाद में आप उठाइए जब अखिलेश यादव सरकार थी, मुलायम यादव थे सरकार थी, किस तरीके से नियुक्तियां होती थी। भाई साहब पूरे देश को पता है कि आपने तो आपने, अरे भैया एक बार सुन तो लीजिए, आप आपने तो पूरे देश को दिखाया ना कि एक ही विचारधारा के लोग, आप ही की पार्टी के लोग, आपने बैकडोर से लेटरल एंट्री लाकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लगाने शुरू कर दिए थे। वो तो विपक्ष का दबाव था कि आपको वापस लाना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी की बहन क्या थी जो इंडियन फॉरेन सर्विस क्वालिफाई की थी तो अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया गया था विजयलक्ष्मी पंडित को, लेटरल एंट्री वो नहीं थी। मुंटेक सिंह अहुवालिया क्या थे, मनमोहन सिंह क्या थे, लेटरल एंट्री आप करते, निंदा नीलकाणी क्या थे, क्या बात करते हैं। मैं बताता हूँ, वो लेटरल एंट्री है। ये बोल रहा है कि अमित शाह के, सुनिए मैं बताऊं आपको, मैं सुन लीजिए, वो गलत बात को जैसे वही संविधान खतरे में चिल्ला रहे हो, पहले मैं बता रहा हूं। वो जो राज्य की कमेटी होती है, क्रिकेट बोर्ड स्टेट कमेटी होता है, उसके बाद एक स्टेट का होता है। अरे आप शरद पवार से क्यों नहीं पूछते, यही तो है। लालू यादव किसे बन गए? नहीं, मैं सवाल पूछ लूंगा, जिनके अस्तित्व की परिभाषा जो है समाजवाद की जगह परिवारवाद हो, वो कैसे परिभाषित करेंगे? मैं आपसे एक बात बोले कि बिहार क्रिकेट बोर्ड पर सवाल पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे अभी आप। तो क्या हुआ बिहार क्रिकेट बोर्ड में बताइए, आप बता रहे हैं क्या हुआ परिवारवाद? मैं आपसे पूछूं ना, परिवार पे सवाल पूछो। राघवेंद्र दुबे डिस्ट्रिक्ट कमेटी का चुनाव होगा, वहां चुने जाएंगे तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर आपने 4 इम्तहान पास किए हैं तो अच्छी बात है। तो उन्हीं के कारण है, अमित शाह जी के कारण ही तो बने हैं। तो हम बोलते हैं मुलायम सिंह की वजह से, अरे मुलायम सिंह की वजह से ही तो बने हैं। वोट दिया जनता ने।